नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि वीएस स्टडी हब में हम हिंदी ग्रामर, हिंदी लिटरेचर और एचपी जीके की जो भी विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य जो है वो हमारा कंटिन्यू है इस वीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। उसमें हमने टॉपिक 1 भी कम्प्लीट कर लिया, उपन्यास, टॉपिक 2 कहानी कम्प्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आज हम जो है वो टॉपिक 3 जो है हमारा नाटक, जिसका हमने लेक्चर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, आप वहां से एक बार वो थ्योरी जरूर रीड कर लें। ठीक है, आज जो है, आज है हमारा लेक्चर 2 है जो हम जिसके साथ ही हमारे नाटक की जो थ्योरी है दोस्तों वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हमारा लेक्चर 3 में आ जाएगा। जब भी हमारा कोई भी विषय कंप्लीट होता है हम क्या करते हैं, अंत में 501 लाइनर क्वेश्चन जो है वो उससे संबंधित कंप्लीट करते हैं। और वो 501 लाइनर क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले टेस्ट में वो बार बार पूछे गए होते हैं। ठीक है, उनसे चुन चुन कर ही मैं सारे आपको वो करवाती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज शुरू करते हैं यूनिट 2 का टॉपिक 3 और लेक्चर 2, जिसमें हम क्या करेंगे। लेक्चर 1 में हमने कर लिया था नाटक का उद्भव, विकास और भारतेंदु युग। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। आज जो है दोस्तों हम करेंगे प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रतोत्तर युग और साठोत्तर युग। ठीक है, ये जो है हमारे जो नाटक था उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, 5 भागों में डिवाइड किया था दोस्तों। ठीक है, जिसमें से हमने एक भाग जो है वो लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम जो है जो बाकी के 4 बच जाते हैं हमारे पास वो सारे कंप्लीट करेंगे इसी में। इसमें हमने देखना है कि ये कैसे युग जो है वो शुरू हुए, इनके प्रमुख नाटक और नाटककार कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रसाद युग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें हर युग के सन का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो है वो इन सन से संबंधित ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रसाद युग जो है वो निम्नलिखित सन में से कब तक शुरू, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक उसका अंत हुआ था। तो जो प्रसाद युग है दोस्तों वो 1900 से लेके 1936 तक माना जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक नाटकों की परंपरा ने नाटक साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसाद ने अपने नाटकों के विषय बौद्ध काल, अब जो प्रसाद जी थे वो एक तरह से आधार स्तंभ माने जाते थे नाटक के। ठीक है, तो उन्होंने उनके जो नाटक होते थे दोस्तों, तो उनका जो मतलब जो शीर्षक होता था और उनके बीच जो कंटेंट होता था वो क्या होता था, किससे संबंधित होता था, वो होता था बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल से चुने हैं, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार से है। उनके जो प्रमुख नाटक है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो कौन कौन से, वो देखेंगे संसासात में। ये जो आपने रीड करते जाना है दोस्तों, ठीक है, मैं नाटक को रीड कर रही हूँ आपके। फर्स्ट है हमारा प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक विशाख, अजात शत्रु, कामना, ठीक है, जन्मेंजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इसमें क्या है दोस्तों कि अपने नाटकों में क्या, प्रसाद जी ने क्या किया था कि अपने नाटकों में प्रसाद ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है। अब देखो ये जो सारे नाटक है ना दोस्तों, देखो अब आप देख रहे हो तो ये सारे के सारे नाटक जो है वो बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इन जो भी इन कालों में घटना घटी थी उनमें से चुन चुन कर प्रसाद जी ने उनके बारे में उन सारी घटनाओं को एक नाटक के रूप में उतारा है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रसाद युग के अन्य उल्लेखनीय नाटककार। अब प्रसाद युग के प्रसाद जो थे वो तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अन्य जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे हम। प्रसाद युग के अन्य उल्लेखनीय नाटककारों में कौन कौन से, हरिकृष्ण जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी लक्ष्मी नारायण मिश्र है, सेठ गोविंद दास है, गोविंद बल्लभ पंत है, उपेंद्र नाथ अशक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी दास वाजपेयी है, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री है, पांडे वेचन शर्मा है, उग्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। और ये सारे के सारे जो है ये नाटककार जो दोस्तों ये प्रसाद युग के हैं, इसीलिए आपने ये जरूर लर्न कर लेने हैं, रीड कर लेने हैं, ताकि आपसे अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक
नाटककार जो है वो कौन से युग से संबंध रखता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये सारे के सारे प्रसाद युग से संबंध रखते हैं। इनके जो भी नाटक है दोस्तों, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें एक एक को पूरा डिटेल में करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि प्रसाद युग जो है उसमें किस किस की क्या क्या भूमिका रही है और कौन कौन से नाटककार जो इस युग में आते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसादोत्तर युग, 1936 से 1947 तक ये माना जाता है, ठीक है, जब प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था कि पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा चलती रही और वर्तमान में भी किसी न किसी रूप में चल रही है। इस काल के उपरांत रचित नाटक यथार्थ जीवन से अधिक जुड़े हुए हैं तथा उसमें रंगमंच तथा अभिनय का विशेष ध्यान रखा गया है। इस काल में नाटकों की विषय वस्तु का चयन इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक जीवन से किया गया है। समसामयिक जीवन क्या होता है दोस्तों, जो कैसे बोलते हैं ना, जो जो चला हुआ करंटली चला होता है उसको बोलते हैं समसामयिक जीवन, ठीक है। प्रसादोत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, रामकुमार वर्मा, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, मुद्राक्षस, नरेंद्र कोहली, रमेश बख्शी, गिरिराज किशोर, जयनाथ नलीन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो है वो गोविंद चातक आदि नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। ये किसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, सारा ये है प्रसादोत्तर युग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रोत्तर युग, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात युग जो है वो क्या रहा था, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। सन 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया, ठीक है। 1947 की क्या हो, जब स्वतंत्रता प्राप्ति होगी उसके बाद क्या होता है, नव निर्माण की आकांक्षा, मतलब हर जगह जब एक तरह से देश आजाद हो गया तो हर किसी को कुछ नया अलग अपने ढंग से करने की इच्छा जागृत हुई, ठीक है। इससे चलते क्या हुआ कि इसमें लेकिन नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों को उत्साह का संचार किया, लेकिन इसमें असफलता मिली, लोगों को निराशा एवं कुंठित भी किया गया। अतः इस युग में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग के आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे, इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे क्या है इनके बारे में, भुवनेश्वर प्रसाद के असर नाटक से आधुनिकता बोध का आरंभ माना गया है। इन्हीं के नाटक तांबे की कीड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट है से विसंगति बोध के नाटक की शुरुआत हुई थी। विसंगति बोध का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। इस युग के प्रमुख नाटककारों के बारे में देखेंगे, अब जो इस युग के थे वो कौन, विष्णु प्रभाकर जी है, जगदीश चंद्र माथुर है, ये साथ साथ इनके नाटक भी है दोस्तों, इनको भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में तो अक्सर जो ये कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध हो गए दोस्तों, इनमें से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नाटक किसने लिखा है, उपन्यास किसने लिखा, तो ये तो आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। थर्ड है हमारा मोहन राकेश जी है, इनका आषाढ़, ये जो आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके, ठीक है। आगे लक्ष्मी नारायण लाल जी है, सुरेंद्र शर्मा है, सुरेंद्र शर्मा के बारे में देखेंगे, इन्होंने अपने नाटकों में आधुनिक जीवन के तनाव को व्यक्त करने की कोशिश की है। द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग इनके प्रमुख नाटक है, ठीक है। अब इस काल में क्या है दोस्तों, देखो कुंठित वातावरण था तो इसका मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार भी पनप रहा था, ठीक है, तो इस काल में भ्रष्टाचार, पीढ़ियों के संघर्ष, संबंधों की अर्थहीनता, समसामायिक व्यंग्य, राजनीतिक संघर्ष आदि विषयों पर नाटक लिखे गए थे इस युग में, ठीक है दोस्तों। लास्ट युग जो है हमारा वो है नया नाटक के नाम से भी उसे जाना जाता है, वो है हमारा साठोत्तर युग, ठीक है। 1960 ईस्वी के बाद जो लिखे गए नाटक उस वो ही हमारे साठोत्तर युग में आते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या है ये
साठोत्तरी युग के नाटकों के मुख्य विषय क्या थे? विद्रोह, अराजकता, जनवादी चेतना, जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियां आदि रहे हैं। साठोत्तरी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सन 1960 ईस्वी के बाद मुख्यतः नवलेखन, नई कविता, नई कहानी, नया नाटक आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे है साठोत्तरी लेखन में विद्रोही चेतना युक्त आंदोलन प्राथमिक रूप से कविता क्षेत्र में प्रमुखर हुआ है। इसके अतिरिक्त कहानी तथा नाटक जैसे अन्य विधाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। साठ के बाद साठोत्तरी, तभी इसका नाम पड़ा है, 1960 के बाद के जो कार्य हुए थे उनके बारे में लिखा है। साठ के बाद की कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। स्वतंत्रता के पश्चात नव जीवन निर्माण में मिली हताशा ने लोगों को निराश व कुंठित किया। इन परिस्थितियों से सर्वाधिक प्रभावित मध्यम वर्ग हुआ था, अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इनके इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके काल थे। साठोत्तरी में नाटक कौन से रहे हैं? ठीक है, नाट्यकृति, साथ में नाटककार भी है दोस्तों, और नाट्यकृति है, नाटककार है और प्रकाशन वर्ष है। तो नाट्यकृति देखेंगे, नाट्यकृति में क्या है? छड़ा बेटा, ठीक है, जो किसका है? उपेंद्र नाथ हर्षक का है, 1961। सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र 1961 में है। आगे है हमारा दहरा अथवा सिंध पतन, खंडित यात्राएं, रक्त माँ कमल, लहरों के राजहंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोहन राकेश जी का है। ठीक है, विद्रोहिणी अम्बा उदय शंकर भट्ट है। नेफा की एक शाम, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र, आधे अधूरे, ठीक है क्या है आधे अधूरे, ये है मोहन राकेश का। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर, युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर, ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण का दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण जी का है, तिल चट्टा मुद्रा राक्षस, शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली जी का है, ये भों भों खों खो, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आठवां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने जो हमारा टॉपिक 3 है नाटक, उसके बारे में पूरी थ्योरी जो था वो इसमें पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने इसका उद्भव, विकास और भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इस वीडियो में जो है पूरे युग, जो 5 भागों में नाटक के युगों में बांटा गया था, वो कंप्लीट किया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हमारे लेक्चर 3 में 500 वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।